राणा जी थैला लाओ, वो वहीं पर करो भैया, उसे वहीं पर करो, अभी थैला ला रहे जब तक। कैसे कर रहा हूँ फूंक फूंक भाई, अभी शांति तुझे नाल तो कट्टा नहीं डब्बा, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे कहते हैं नाग, काफी खतरनाक है। जरा मेरा डब्बा वो बैग उठा के जाओ, चल भाई इधर चला जा, बैग लियो बैग आ जाओ। चल रही है सेकंड? हाँ चल रहा है। देख सकते हो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे नाग कहते हैं, पकड़ा जा चुका है। आद को कर दिया इसने, अभी एक किंग कोबरा पकड़ा भाई मैंने। मेरे को ये वीडियो भेज, मेरे को ये वीडियो भेजना ठीक है ना, व्हाट्सएप भाई। ये वीडियो आएगी मगर YouTube पे आएगी। अबे तो मतलब मेरे को अपने फोन से बनानी पड़ेगी है बेटा, ताकत दिखा रहा है, ज्यादा ताकत नहीं, मेरे हाथ बहुत कड़े हैं। जल्दी डब्बे का जुगाड़ करो, मैंने कहा था डब्बे का जुगाड़ कर लेना। इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे नाग कहते हैं, काफी ताकतवर है, काफी तगड़ा। हाँ, हार्ट बीट ऐसा मत चिपक जाओ उसके मुंह पे। देख सकते हो पकड़ा जा चुका है। वैसे तो ऐसी जगह से बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही रिस्की, क्योंकि चाचा पकड़ा गया। यही वाला है, वो यही वाला है, बहुत बड़ा है। साहिल दुकान से लिया एक डब्बा, टॉफी टाइप का बड़ा डब्बा चाहिए। दुकान से लिया, कहीं नीचे दुकान से डब्बा। चोरी भी अच्छी होनी चाहिए, शिव जी बारी हटा गई है। अभी तो अंदर कर लेगा वो, जरा सा छोटा तो काट भी लेगा, दस लेगा वो, ऐसा जहरीला सांप नहीं है, नौटंकी करेगा ये भाई। ये डब्बों पर लगा रहे नहीं ना, जंगल छोड़ देते ना फिर, हैं जंगल छोड़ देते हैं, छोड़ो से नहीं फिर मारने का होता तो हमें मार देते। मारने का काम नहीं, बचाने का काम है। देख रहे हो नाग ने काट रखा है, फिर भी नहीं मारा नाग को, दो बार नाग काट चुका मेरे को। हाँ ये तो, हाँ ये हाँ ठीक है, इसमें अरे उनको बोल रहे छोड़ दे, क्या बेटा ये तो भी लग रहा था कि काटने वाला है, देखो कितनी भयंकर, बस जरा जरा सा बचता है। मुंह से क्या निकल रहा है, उसको झाग निकल लग गया। हाँ झाग निकाल जाओ। हाँ वो ठीक है, लियाओ लियाओ। अरे कैंची या चाकू लियाओ, छेद तो ना डब्बे में, कैंची ले जा, कैंची छेद को ना। देख भाई जब तू वाला पहन, तो तू पीछे रहेगा तो तेरे को हल्का पकड़ा जाएगा, जबरदस्ती करेगा तो टाइट पकड़ा जाएगा। ओहो ये डब्बे भी कुछ खास नहीं है, वही ठीक है, मजबूत डब्बा है, इससे ज्यादा मजबूत हुई है। देखा ना ये मजबूत है, इंजन में भी प्लास्टिक कौन सा है, कोबरा ना ये बेकार है, वो ठीक है, इससे ढक्कन लगा उसी को ला रहे, ये डब्बा है इसको दो दो, जा धो दे चाचा, वो तो धो दे। देख सकते हो चल रही है सही। हाँ चलती है, 5 मिनट हो गए। मैजिक से मजा,
देख सकते हो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ओ बेटा, जैसे तुम्हें देख रहा था ये गुस्सा मार रहा है। मैं तो कब से खड़ा हो रखा था ना। कह रहे यहाँ से कहीं नहीं गए, यहाँ से कहीं नहीं गए। वो उसने नाली में लेट रखा था आराम से, वो तो चौकी में उधर से पार करके सीधा उसके मुंह से नहीं गया। पंप कैसे हो रहा हूँ, देखो भूल गया सही जमा ना पकड़ गया। नहीं खाएगा, जो इसके पेट में होगा वो भी निकाल देगा अपने शरीर को। फुट अरे यार ये ढक्कन रहता है, इस ढक्कन को इसको ढक्कन है, वही ढक्कन है, ये ढक्कन है, ये तो आ जाएगा इसमें, नहीं आएगा ये, नहीं आएगा वही जल रहा है वो मार इसको, वही ना वही से छोड़ दे, ये ढक्कन काम कर रहा है, मैं थोड़ा ढक्कन की वजह से। चलो भाई अंदर जाने की तैयारी कर। ये लंबा भी बहुत है, ये इतने शरीर को मोटा कर रखा है, लंबाई को घटा रखा है। ये देखो किसने अपनी पूंछ से, पर अभी तक इसने काटा नहीं किसी को, सबसे बड़ी बात ये है। इसकी पूंछ अभी नुकीली है ना, वो मुंह खोल दस ना। क्या कर रहा है भाई, चले अंदर चले, मना कर रहा है तो अंदर जाने को, जाना तो तुझे इसी के अंदर है मुन्ना, कुछ भी कर ले जाएगा। नहीं 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 कुछ मत बोलो, आप जितना शांत रहोगे उतना ये भी शांत रहेगा, वरना ये भी गुस्से में आ रहा है। देखो इसका गुस्सा खतरनाक है। यही हो यही पापा ने देखा, पापा ने बंद कर दू। बाछी को काट दिया नाग ने, बाछी मर गई, दो जगह काटा उसके शाम के टाइम, झंडी चौक पश्चिम में रात को करने के लिए। कौन सी जगह है, देख समरापुर, देख सकते हो पकड़ा जा चुका है ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा नाग जिसे कहते हैं, काफी बड़ा नाग है। और ये उमरावपुर उमरावपुर जगह है ये, यहीं पेड़ के नीचे बैठा था ये नाली में, काफ़ी देर से पकड़ा जा चुका है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, दिखाते हैं छोड़ते समय की वीडियो। हेलो दोस्तों, देख सकते हो ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, काफ़ी खूंखार है, ये उमरावपुरी से पकड़ा है, काफ़ी बड़ा भी है और काटने के लिए इसने वार भी बहुत की है, दिखाते हैं आपको। निकल चुका है, काफी फुंकार है, काफी गुस्से में है ये, काफी गुस्से में और वार करने के लिए भी आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा इसे।
देख सकते हो काफी हुंकार है और पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वैसे पेड़ पे तो चढ़ेगा नहीं, भागेगा नीचे उतर के। ये देख सकते हो काफी बड़ा सांप है और काफी तेजी से जा रहा है और निकल चुका है ये जंगल की ओर, पूरा पहाड़ चढ़ जाएगा और नहीं रुकेगा। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।